हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में तरक्की कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आपका प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग लेकर। क्योंकि सावन चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ की ओर से कुछ मैसेजेस लेकर आई हूँ आपके वर्तमान के लिए और फ्यूचर के लिए। चेक करेंगे कि लॉर्ड शिवा की ओर से आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके फ्यूचर में, और प्रेजेंट में आपको क्या मिल रहा है, और किन बातों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और क्या आपके लिए गाइडेंस है, यहाँ हम चेक करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर दी हुई पिक्चर्स में से भगवान भोलेनाथ की कोई एक पिक्चर पिक करनी है, जो भी आपको इंट्यूटिवली पसंद आ रही हो वो पिक करिएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे आपके लिए रीडिंग को। वेलकम पाइल वन, हमारे जिन व्यूअर्स की चॉइस भगवान भोलेनाथ की पहली पिक है, जिन्होंने भी फर्स्ट पिक को सिलेक्ट किया है, चेक करते हैं कि आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं। शुरू करेंगे हम प्रेजेंट से। सबसे पहले लॉर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से कि प्रेजेंट में आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही हैं। ओके, नाउ फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, यहाँ से चेक करेंगे प्रेजेंट में कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको मिलने जा रही हैं। आपके लिए वर्तमान में क्या गाइडेंस है लॉर्ड शिवाजी की ओर से, वर्तमान में क्या गाइडेंस है आपके लिए लॉर्ड शिवा की ओर से। फ्यूचर के लिए क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। ओके, ओके, शुरू करते हैं प्रेजेंट के साथ। टाइम टू मूव ऑन, इस वक्त अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो चुके हैं, आप उस सिचुएशन के बारे में बार बार सोच रहे हैं, उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो ये कृष्णा जी की ओर से आपके लिए संदेश है कि आपको करंट सिचुएशन से मूव ऑन करना है। करंट पर्सन हो, करंट सिचुएशन हो और करंट थॉट हो, अगर आप पास्ट को लेकर अपना वर्तमान ख़राब कर रहे हैं, पास्ट की बातों को सोच सोच कर अपना वर्तमान ख़राब कर रहे हैं, तो आपको मूव ऑन करना है। द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट,
इस वक्त मे बी आपका नेचर ऐसा है कि आप सामने वाले को कट टू कट बात बोल रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं। पास्ट में आपको जो बिट्रेल मिला है, आपको पास्ट में जो दर्द मिला है, जो तकलीफ़ मिली है, उससे अब आपकी एनर्जी इस तरीके से हो गई है कि आप कट टू कट बात करते हैं, और सम टाइम आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जो सामने वाले को बहुत दर्द देती हैं या तकलीफ़ देती हैं। तो आपको इस वक्त उन बातों से या उन सिचुएशन से बचना चाहिए जो आपके लिए कर्मा क्रिएट कर रही हो। द चैरियट, दो कार्ड हैं यहाँ पर चैरियट के, मूव ऑन एनर्जी के। मे बी कुछ व्यूअर्स के लिए ट्रांसफ़र भी है, कुछ लोग अपनी करंट सिचुएशन से, करंट प्लेस से मूव ऑन कर रहे हों। मे बी आप लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा हो, या आप नई जॉब के लिए कहीं मूव कर रहे हों, या फिर आप अपना पुराना घर छोड़कर किसी नए घर में शिफ्ट होने वाले हों। ये आपके लिए वर्तमान में संदेश है, आपके लिए ब्लेसिंग है। द सन, अगर आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिल रही है, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, तो आपको घमंड नहीं करना है, आप डाउन टू अर्थ बने रहिए और सामने वाले को समझने का प्रयास करिए, उसके नज़रिए को समझने का प्रयास करिए, और ये आपके प्रेजेंट को संभाल कर रखेंगी अगर आप इन बातों पर गौर करेंगी, क्योंकि आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर आगे है, एक वंडरफुल ब्राइट फ्यूचर आपके लिए वेट कर रहा है। होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और ए हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा कितनी सिमिलैरिटी है इन कार्ड्स में, आप देखिएगा डिवाइन कितना हेल्प करते हैं। मतलब मूव ऑन कार्ड सबसे पहले मूव ऑन का था, उसके बाद चैरियट का, ट्रांसफ़र का, और उसके बाद होम। आपकी हाउस होल्ड सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, आपकी जो भी सिचुएशन है फैमिली को लेकर, आपके घर को लेकर, मे बी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं, या कुछ तकलीफ़ें हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्दी चेंज आ रहे हैं, और आपको इस सिचुएशन से मूव करना है। जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन कर लेना है। थैंक यू, देखते हैं फ्यूचर में क्या है। डिवाइन ब्लेसिंग्स, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फ्रेंड्स, अगर आप अपने पार्टनर से दूर थे या अलग थे, तो आपके लिए यूनियन आ रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कार्ड इंडिकेट द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। मे बी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहा है, कोई स्पिरिचुअल लवर आ रहा है, या आपका सोलमेट एंट्री ले रहा है आपकी लाइफ में, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट मिलेगा और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर कुछ व्यूअर्स अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, एक सोलमेट के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नियर फ्यूचर। एस ऑफ सॉर्ट्स, न्यू बिगनिंग आ रही है। जो लोग पुराने रिलेशनशिप में हैं, या आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, या फिर बिल्कुल ही एंड हो चुका है, उसमें अब कोई भी बात करने की उम्मीद नहीं है, तो वहाँ अचानक से कुछ सडन शिफ्ट होगा, न्यू बिगनिंग आ रही है। सिक्स ऑफ कप्स, आपका जो भी पर्सन है, या आप खुद भी हो, जो भी हैं, वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, इसी वजह से ये पर्सन फ्यूचर में आपसे अपोलोजी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हों, आपका फ्रेंड हो, आपका सोलमेट हो, या आपके कोई करीबी रिलेटिव्स हों, ये लोग आपके साथ बिताए हुए सुनहरे पलों को याद कर रहे हैं, और इसी वजह से ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। द हैंग्ड वूमन,
आपको अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करनी है डियर फ्रेंड्स, आपको प्रयास करना है कि आप जिस पर्सन के साथ या पास्ट की जिस मेमोरी के साथ स्टक हो चुके हो, आपको इससे बाहर निकलना है। देखिएगा यहाँ पर ये हैंग्ड है लेडी, बंधी हुई है पेड़ से, लेकिन ये कुछ मूवमेंट कर रही है, ये हिल रही है, कोशिश कर रही है कि ये इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। प्रयास करिएगा, आप निकल पाएंगी। पास्ट लाइफ देखिएगा, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, जो भी आपकी दर्द तकलीफ़ें हैं जो पास्ट से जुड़ी हुई हैं उनको रिलीज़ करने का टाइम है डियर फ्रेंड्स। इन फ्यूचर आप खुद को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगी और इस पास्ट लाइफ एनर्जी से खुद को रिमूव कर पाएंगी। क्वाइट टाइम, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। आपको कुछ वक्त अपने साथ भी व्यतीत करना है, तो इन फ्यूचर आप हो सकता है कि मेडिटेशन में लग जाएं या फिर आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं, आप कॉन्टम्पलेट कर सकते हैं, आपका कुछ टाइम मी टाइम भी निकलेगा, आप अपने लिए भी समय निकालेंगी और इस स्टक सिचुएशन से आप फ्यूचर में बाहर निकल पाएंगी। जिस पर्सन के साथ, बेशक ये पर्सन कार्मिक हो, आपको कुछ लेसन देने आया हो, लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए इसके लिए, ये पास्ट पर्सन अब आपकी लाइफ से मूव ऑन कर लेगा। आने वाले फ्यूचर में आपको इन ट्रॉमा से, इन तकलीफ़ों से निजात मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है आपके लिए लॉर्ड शिवा की ओर से मैसेजेस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेलकम, जिन भी व्यूअर्स ने लॉर्ड शिवा का सेकेंड वाला पिक्चर चुना है, चेक करते हैं कि आपके लिए प्रेजेंट में आपको क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एडवाइस है, और फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या एडवाइस हैं आपके फ्यूचर के लिए, चेक करेंगे यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लॉर्ड शिवा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है, मैं निकाल लेती हूँ इसको, वन मोर कार्ड। ओके, थैंक यू। चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, इन चीज़ों से आपको मूव ऑन करना चाहिए और किन अच्छी बातों पर फोकस करना चाहिए, चेक करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, टू ऑफ वॉन्ड्स, चेक करते हैं यहाँ से आपके लिए क्या एडवाइस है फ्यूचर के लिए। एक कार्ड आना चाह रहा है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, माय गुडनेस डियर फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिएगा, स्टॉप वरीइंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, माता लक्ष्मी का मैसेज है आपके लिए कि सब कुछ सही होगा, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं प्रेजेंट के लिए क्या मैसेज है।
शेयर योर बाउंटीज, यू हैव इनफ टू योर नीड्स एंड सम एक्स्ट्रा टू, शेयर इट विथ अदर्स, रिमेंबर द गोल्डन रूल, वॉट यू गिव यू गेट बैक। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो थोड़ा बहुत गरीबों में दान करने से कोई बुराई नहीं है, आपके कर्मा रिलीज होंगे और उनको सहारा मिलेगा, और आप जो दे रहे हैं फ्रेंड्स उससे आपको चार गुना ज़्यादा वापस मिलता है। अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं तो वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। आप किसी को हेल्प कर रहे हैं फाइनेंशियली तो वो आपको बाउंस बैक मिलेगा। आप यूनिवर्स में जो भी चीज़ें दान देते हैं, दूसरों के लिए सपोर्ट करते हैं, वो आपको गॉड की ओर से वापस ज़रूर मिलता है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बटरफ्लाई मैडन ट्रांसफॉर्मेशन। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मे बी किसी ने आपको दर्द दिया है, आपका हार्ट अटैक हुआ है, आप टूटे हुए दिल के साथ अभी सर्वाइव कर रहे हैं, खुद को उस तकलीफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ है, शायद आपके ऑफिस में आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ, या आपके पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके सोलमेट के साथ, और इस आर्ग्यूमेंट ने कहीं ना कहीं आपको बहुत अंदर तक हर्ट किया है, डीप पेन में हैं आप। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं किसी के साथ, बहुत ज़्यादा दर्द दबाकर सीने में चल रहे हैं आप और अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आर्ग्यूमेंट हुई है लोगों से, या फिर इस वक्त आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, इस वजह से भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स होती रहती है लोगों के साथ। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त चल रहा है, मेटामॉर्फिसिस का टाइम है। ये थोड़ा पेनफुल टाइम होता है, तकलीफ़ होती है इसमें, लेकिन आप सकुशल निकल आएंगे और आपको एक नई विज़न, एक नया विजडम मिलेगा। देखिएगा, आपके लिए जो मैसेज है लॉर्ड शिवा का वो है ट्रांसफॉर्मेशन का। यू आर एक्सपीरियंसिंग एनरोमस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स। आपके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे आपके फ्यूचर में। आपको एक नया विज़न, एक नई पर्सनैलिटी मिल रही है इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। चेक करते हैं यहाँ पर क्या है। रिस्पेक्ट, इन फ्यूचर आपको ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति के साथ रिस्पेक्टफुल बिहेव करें, सभी को रिस्पेक्ट दें, सम्मान दें, क्योंकि हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। हर एक को सम्मान चाहिए, हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मेट, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर वॉन्ड्स बहुत हैं, एरीज व्यूअर्स बहुत हैं यहाँ पर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फ्रेंड्स, अभी बेसिक समय ऐसा चल रहा है कि आपको क्लियर नहीं है विज़न, आपको नहीं पता है कि फ्यूचर में आपके लिए क्या छुपा है, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फेस है वो अंधेरे की ओर है, लेकिन आपके पीछे सन निकल रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सूरज निकल रहा है, एक नई उजियाली सुबह है, एक नया डॉन है, एक नया ब्रेक थ्रू है जो आपको आपकी लाइफ में मिलने जा रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत टाइम से आप खुद को गार्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में भी आपको अपनी फीलिंग्स को गार्ड करके रखना है। लॉर्ड शिवा का ये मैसेज है कि अपनी फीलिंग्स को गार्ड करके रखिए। अगर आपको सडन गुस्सा आ जाता है या आप बहुत इमोशनल हैं, सामने वाले ने कुछ कहा और आप एकदम से इमोशनल होकर उस पर एक्शन रिएक्शन ले लेते हैं, वो नहीं करना है। आपको अपने इमोशनल फीलिंग्स पर कंट्रोल करना है और निकट फ्यूचर आप इन चीज़ों में सिद्धहस्त हो जाएंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगेंगे। फ्यूचर आपके लिए
एक बैलेंस लेकर भी आ रहा है जो माइंड बॉडी और सोल के लेवल पर होने जा रहा है। द हर्मिट, आपको इंट्यूशन, आपको इनर विजडम बहुत मिलने वाली है इन फ्यूचर। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपना रास्ता खुद तय करेंगे, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखेंगे, क्योंकि आप अपने अंतर्मन से जुड़ रहे हैं और आप अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस को फॉलो करेंगे। फ्यूचर में आप अपने सेल्फ की, हायर सेल्फ की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आप अपने अंतर्मन से जुड़ेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से चलने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको बहुत से परेशानियों से आपकी हायर सेल्फ आपको बचा कर ले जाएगी। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग, नई सुबह, न्यू डॉन आपका वेट कर रहा है फ्यूचर में। माय गुडनेस, काली, एंडिंग एंड ब्लेसिंग्स, कुछ कार्मिक बॉन्डेज हैं जिनकी एंडिंग हो रही है, कार्मिक रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं और आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। जैसा कि यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि न्यू डॉन आपके लिए वेट कर रहा है, नया सवेरा आपके लिए आ रहा है। और यहाँ पर भी है, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने सिंक्रोनिसिटीज में कार्ड आए हैं, सिंक्रोनाइज होकर आए हैं। सभी कार्ड एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वन बाई वन। और देखिएगा, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज, आपके अंदर का जो भी पैटर्न है आपका वो रिलीज़ होगा। आप पास्ट में जो थे वो पर्सनालिटी रिलीज़ होगी, आप नए विज़न में और नए प्रस्पेक्टिव से लोगों को देखेंगे, आपका डिफरेंट नज़रिया होगा लोगों को देखने का, रिश्तों को देखने का। आप पास्ट लाइफ से टोटली चेंज हो जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है पास्ट में और फ्यूचर में है एंडिंग एंड बिगिनिंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो छूट रही हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। कैमरा ब्लर हो रहा है बार बार, आई एम सॉरी फ्रेंड्स। देखिएगा, एंडिंग एंड ब्लेसिंग्स, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है इस वक्त प्रेजेंट में, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और फ्यूचर में उन चीज़ों की एंडिंग हो जाएगी जो आपको शर्व नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए, माँ काली का थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका है, आपको इनसाइट मिलेगी, आपको न्यू विज़न मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये है रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजुनेट की हो, आपको आपके आंसर्स मिले हों। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।